टीएमसी आपने क्यों ज्वाइन की? दीदी के साथ निजी संबंध आपके रहे हैं, पर उनके साथ राजनीति में उतरने का फैसला आपने क्यों और कैसे किया? कैसे हुआ ये? ऐसा हुआ कि मैं कांग्रेस में था, मुझे कहा गया कि आपको दरभंगा देंगे सीट। मैं दरभंगा से लड़ना चाहता था। उन्होंने कहा दरभंगा आप चाहते हैं? मैंने कहा जी मुझे मिले तो बड़ी अच्छी है। मुझसे कहा गया, मुझे दरभंगा नहीं मिला। ये 19 की बात है ना? जी। उसके बाद मुझे धनबाद भेज दिया गया, जो मैंने मना किया कि मुझे नहीं जाना है, लेकिन फिर भी मैं गया। लोगों ने वहाँ पर जितने थे उनका बड़ा समर्थन मिला, 70,000 वोट ज़्यादा मिले जो पिछली बार कांग्रेस को मिले थे उससे। हार के वापस आए तो बैठे रहे। मैं अल्कोहलिक नहीं हूँ लेकिन वर्कहोलिक ज़रूर हूँ। काम करने का शौक है ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं बैठा रहा। मैं कहा कि मुझे कोई काम दीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ। संगठन में दीजिए, कहीं भी दीजिए, कुछ दीजिए, पार्टी ऑफिस में बाहर चौकीदार बना दीजिए, लेकिन कुछ काम दीजिए, मैं खाली नहीं बैठना चाहता हूँ। बहुत प्रयास किया, नहीं बात हो पाई। आदरणीय सोनिया जी से ही मिला, उन्होंने भी कहा हाँ ज़रूर कुछ करते हैं। तब तक राहुल जी यहाँ अध्यक्ष थे, फिर उन्होंने छोड़ दिया था, फिर सोनिया जी वापस आई। लेकिन बेकार बैठा रहा, समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं होगा। तब तक मेरी मुलाकात टीएमसी कुछ लोगों से हुई। वहाँ पर यह हुआ कि आप आइए, आपका सम्मान होगा, आपको पूरी तरीके से जो आपकी इज्जत के साथ होना चाहिए वो करेंगे। ये नहीं कि उन्होंने सम्मान नहीं किया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने सम्मान नहीं किया। तो मैं यहाँ पर आया, आते ही मुझे गोवा का प्रभारी बना दिया गया और फ्री हैंड दे दिया गया। वही जो 5-6% वोट मिले भी आपकी पार्टी को, 8.5 अगर हमारी 25 को देखें तो। और हम तो बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, भारतीय जनता पार्टी से। मेरी तो कोई गलती थी नहीं, मेरे कोई कागज तो दस्तावेज तो बनाए हुए थे नहीं। बीजेपी वाली टीस है अभी आपके अंदर? नहीं नहीं, टीस क्यों नहीं होगी। आप मुझे ये बताइए कि 1993 में बीजेपी से जुड़ा, अच्छे अच्छे नेता थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के नेता जिनकी पहचान हो वो नहीं थे। कौन कौन थे राष्ट्रीय पहचान वाले? एक आपके अटल जी थे, एक अडवाणी जी थे, उमा भारती थी, डॉक्टर मुरली मुरली जोशी थे एक तरफ में, शत्रुघ्न सिन्हा बीच में आए और छठा मैं था। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर मैं पूरे सम्मान के, सुषमा जी थी, बड़ा अच्छा बोलती थी, वो बिल्लारी जाकर के चुनाव लड़ी भी हैं, लेकिन उनका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली इन सब एरियाओं में था। कल्याण सिंह जी का यूपी में था, वेंकैया जी का आंध्र प्रदेश में था, प्रमोद जी महाराष्ट्र और गोवा के अधिक करते थे। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर किसी को घुमाना है जिसका नाम, क्योंकि नाम चाहिए था भारतीय जनता पार्टी को। 1993 में उस समय जुड़ा, आज भी अगर आप देखें तो 90% से ज़्यादा तो मैं सीनियर हूँ। 1993 में ही MLA बन गया था, 93 में क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट छोड़ दिया दिल्ली से और क्रिकेट छोड़ दिया हमने। कप्तान थे दिल्ली के, 99 मैच फर्स्ट रणजी ट्रॉफी खेल चुके थे, 100 कर सकते थे, नहीं किया उसके लिए। यहाँ पर आए तो जेटली ने कहा कि मैं ऐसे अध्यक्ष के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने कहा भैया तो बड़ा चोरी हुआ यहाँ पे, ध्यान रखना, यहाँ पहले CBI आ चुकी है। नहीं 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 करेंगे, ये है वो है, साथ में तो साथ में हम लोगों ने काम किया। और मैं बार बार बताता रहा, चिट्ठियाँ मेरे पास लिखी, दर्जनों चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं, मेरे ख्याल से 100 चिट्ठियाँ होंगी। उनको लिखता रहा कि देखो ये गड़बड़ हो रहा है, ये हो रहा है, नहीं हो रहा। हमने पार्लियामेंट में क्वेश्चन किया, उन्होंने SFIO लगा दिया। SFIO लगाने के बाद सरकारी दस्तावेज थे, मेरे नहीं थे, उसमें 400 करोड़ का घोटाला आ गया। फिर अपने जस्टिस विक्रमजीत सेन, मैं खुद गया था, आर्ग्यूमेंट किया कोर्ट में, वकील नहीं रखा तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया गया, पहले मुकुल मुडगिल साहब को, उसके बाद जस्टिस विक्रमजीत सेन को। उसने भी कह दिया हाँ जी साहब 398 करोड़ का घोटाला हो, तो मेरी तो नहीं थी ना। तो नहीं, मैं ये समझ रहा हूँ, 93 में जो आप बीजेपी में आए थे तो वो कैसे हुआ था आना, वो कौन लाया था आपको राजनीति? वो बताया था ना कि अडवाणी जी के बच्चे हमारे साथ स्कूल में पढ़ते थे। अच्छा। तो उनसे बात होती रही, तो अडवाणी जी ने ऑफर दिया था कि आओ दिल्ली से लड़ जाओ। हाँ, उनके इनके पास भी उस समय लोग नहीं थे। हाँ। मैं लड़ना चाहता था विश्वास नगर गंगा उसे यमुना पार से, दिल्ली से। हाँ, लेकिन उन्होंने गोल मार्केट सीट मुझे दी, आप जीत गए, जो -C सीट थी इनकी, वो जीत गए हम, तो जीत गए तो जीत गए। उसके बाद वो आपका एंट्री था राजनीति? वो मेरा एंट्री बीजेपी में। फिर उसके बाद मुझे इन्होंने दरभंगा भेज दिया लोकसभा लड़ने के लिए 2003 में। हाँ, वो मिथिला का उसको राजधानी कही जाती है। अब आपने देखा है कि चार युग है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। त्रेता में ही रामायण लिखी गई थी, इसका मतलब तब मिथिला था, क्योंकि राजा जनक तो मिथिला के राजा थे और मैथिली तो सीता माँ को बोलते हैं, जनक नंदिनी जानकी, माँ सीता के जन्म स्थान, भगवान राम के ससुराल वाला आदमी हूँ। तो दरभंगा से मुझे भेजा गया, वहाँ से 3 बार सांसद बन गए, जीत गए। हाँ, और फिर वहीं से लड़ने की तैयारी है। इस बार लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे, दरभंगा से ही लड़ेंगे। दरभंगा से ही लड़ेंगे और टीएमसी के टिकट पर लड़ेंगे। अब देखिए अलायंस पे बात होगी,
अलायंस में तो बात हो ही नहीं रही है। 3 दिसंबर के बाद होगी ना, इलेक्शन चल रहा है आपको तो मालूम है, 5 स्टेटों में हो रही है आपको पता ही है। आपको यकीन है कि आपको नीतीश कुमार, लालू जी और कांग्रेस पार्टी बिहार में टीएमसी को एक सीट देने को तैयार हो जाएंगे? आशा तो जब, या फिर एक ज्वाइंट कैंडिडेट के तौर पर खड़ा कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही तो बात हो रहा है, चाहे सिंबल पार्टी का हो या ना हो, ऐसा भी हो सकता है। वो तो ये लोग ऊपर वाले तय करेंगे क्या करना नहीं करना, लेकिन मेरी जो इच्छा है वो मैंने कह दी। और दीदी ने कहा कि नहीं तुम बंगाल से लड़ जाओ, इधर से कहीं। नहीं, बंगाल से भी ऑप्शन है, अब वो तय होता है। देखिए, अब अल्टीमेटली तो पार्टी तय करेगी आप क्या करने वाले हैं। हाँ ठीक, लेकिन मेरी इच्छा दरभंगा से ही है।